मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो मैं बताऊँगा कि क्लास सेवन्थ में आता क्या है। याद रखना ये सिलेबस बेटा ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स जितने भी होते हैं ना, सबको ये कवर करेगा। सो विदाउट टेकिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, इसमें बेसिकली ये जो सिलेबस है ना, वो तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रामर सेक्शन, दूसरा है राइटिंग सेक्शन और तीसरा है बेटा अप्लाइड ग्रामर। ये जो बेसिकली अप्लाइड ग्रामर है ना, ये ग्रामर सेक्शन से ही आया हुआ है। मींस अगर आपका ये वाला सेक्शन अच्छा है तो याद रखना जो आपका अप्लाइड ग्रामर वाला सेक्शन है ना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स के बारे में। तो पहला है इसमें क्या, नाउंस। नाउंस जैसा कि आपको पता ही है, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नाउंस होते हैं। इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें है बेटा एडजेक्टिव्स। क्या है बेटा, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स आपको पता ही है, ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद बेटा आते हैं थर्ड नंबर पे, इसमें क्या आपका प्रेपोजिशंस है। प्रेपोजिशंस भी आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें इन आता है, ऑन आता है, एट आता है, ऑफ आता है, विथ आता है। तो इसका यूज थोड़ा सा हम करना सीखेंगे। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है बेटा वॉइसेस। वॉइसेस में जैसा आपने पढ़ा होगा, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक बेटा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे, जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। मतलब जो नाउन का पोजीशन ले ले, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक आपका प्रोनाउंस है। इसके बाद बात करते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर पे बेटा क्या है, टेंसेस। टेंसेस भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसमें हम एक्चुअली में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट के अलग अलग मीन्स वर्ब के अलग अलग फॉर्म की हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं सेवन्थ नंबर बेटा। हाँ, सेवन्थ नंबर क्या है, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स भी याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिकली कुछ नहीं करेगा, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा और इसके बाद वर्ब्स को क्वालिफाई कर देगा और अपने आप को क्वालिफाई कर देगा। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसके बाद आते हैं एट्थ नंबर पे। एट्थ नंबर दिया है सेंटेंस एंड फ्रेज। जो मैंने एक बेसिक क्लास बेटा पढ़ाया है ना, वहां पे मैंने सेंटेंस और फ्रेज के बारे में बताया है। इस सेक्शन में क्या करेंगे हम, थोड़ा इसको डीप में पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद बात करते हैं नाइन्थ नंबर। नाइन्थ में क्या है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब की स्टडी करनी है और वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद दिया फॉर्मिंग क्वेश्चंस। फॉर्मिंग क्वेश्चंस का मतलब हो गया बेटा, इसमें जैसे आपके सामने कोई असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आप उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे। इसमें बेसिकली हम कन्वर्जन सिखाएंगे आपको कि इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा इलेवेंथ नंबर, कंजंक्शंस। नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ये ज्वाइंट करने का काम करेगा। मींस ये एक तरीके से फेविक्विक की तरह काम करता है, फेविस्टिक की तरह काम करता है, ओके, जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शंस। इसके बाद बात करते हैं पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन में जितने भी मार्क्स होते हैं आपके, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कोलन है, ब्रेकेट है, ये सारी हम इसमें क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे पंक्चुएशंस में। आते हैं 13 नंबर पे, ये आपका क्या है, वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलना कि जो ग्रामर है ना, ग्रामर का इसको हार्ट माना जाता है, ओके बेटा। तो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 13 नंबर पे है। इसके बाद बात करते हैं नरेशंस। नरेशंस बेटा क्या होता है, जैसा कि आपको पता है ये दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशंस होता है, तो भी हम कवर करेंगे। तो ये हमने आपको जो सेक्शन कवर करवाया, वो कौन सा सेक्शन है बेटा, टोटल ये ग्रामर सेक्शन हमने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में बेसिकली क्या करना होता है आपको, कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है। और लिखने में भी आपको अपने
मन से लिखना है, मीन्स कंटेंट को एक प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो राइटिंग सेक्शन में पहला है फॉर्मल लेटर, आपको पता ही है, इनफॉर्मल लेटर, ऑफिशियल इसको भी बोल सकते हैं ऑफिशियल लेटर, और ये रिलेटिव को जो लेटर लिखते हैं उसको इनफॉर्मल बोलते हैं बेटा। ईमेल है, ईमेल आपको पता ही है कि जब से मोबाइल आया है, कंप्यूटर आया है, तब से हम थोड़ा लेटर का यूज कम कर दिए हैं, ईमेल का ज़्यादा कर दिए हैं। तो इसी का ये स्टैंडर्ड वर्जन है क्या, ईमेल बेटा। इसके बाद है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री आपको पता ही है कि आप अपनी लाइफ के बारे में जो भी किसी कॉपी में कोई चीज़ आप मेंशन करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरी एंट्री बोलते हैं, जो आपका डेली बेसिस पे होता है। इसके बाद है बेटा नोटिस राइटिंग। आपने स्कूल में देखा होगा आपका एक नोटिस बोर्ड होता है, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम नोटिस राइटिंग कहते हैं। इसके बाद है बेटा मैसेज। मैसेज भी एक तरीके से देखा जाए तो ये लेटर्स का ही मतलब एडवांस वर्जन है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे आप अपने दोस्त को या अपने मम्मा को या अपने स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी दे सकते हो, मैसेज के थ्रू। इसके बाद अगला आता है बेटा डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास दो टॉपिक होते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको बताना होता है, मीन्स उसका पॉजिटिव और निगेटिव साइड आपको बताना होता है। आप जो साइड सेलेक्ट करते हो उस साइड के बारे में आपको क्या करना है, राइटिंग करना है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस आता है कि साइंस जो है वो बून है या कर्स है, तो उसके बारे में आप कोई भी एक पक्ष सेलेक्ट कर सकते हो, बून वाले पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो या कर्स वाले, तो एक तरीके से डिबेट राइटिंग होता है। इसके बाद है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में क्या होता है बेटा, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना, लिखना है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया के ऊपर आप 150 वर्ड्स लिखिए, तो आप इंडिया के ऊपर जो भी आप लिख रहे हो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीच राइटिंग। इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग और स्पीच राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है कि चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पैराग्राफ बना के लिखते हैं। स्पीच में भी यही हम काम करते हैं, बट जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है बेटा। कैसा, थोड़ा सा लेंदी होता है। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। क्या बेटा, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट आपने देखा होगा ज़्यादातर केस में, जैसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जब किसी की रिपोर्ट आती है या जब हम कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो वो किस में चला जाता है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में चला जाता है। उसमें अपने कंटेंट्स को डालते हैं, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन करते हैं। इसके बाद बेटा है स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन को अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको एक स्टोरी दिया जाएगा, पिक्चर दे दिया जाएगा या इमेज दे दिया जाएगा या कुछ उसके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना, उस इमेज को देख के या उस पॉइंट्स को देख के क्या करना, आपको एक स्टोरी का फॉर्मेशन कर देना, मतलब उसको फ्रेम करना है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोरी कंप्लीशन कहते हैं। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपको पता ही बेटा न्यूज़पेपर में ज़्यादा आता है। जैसे आपने देखा होगा एक एडिटोरियल पार्ट होता है न्यूज़पेपर में, तो आप उसको देखोगे ना तो उसमें जितने भी आपके राइटर्स होते हैं अपना क्या देते हैं, व्यू देते हैं, तो वो बेसिकली जो होता है उनका वो क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है। तो आई होप ये जो राइटिंग सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं बेटा एक एक चीज़ों को क्या करूँगा, कवर करूँगा। सो डोंट पैनिक, मैं सारी चीज़ों को कवर करवाऊंगा। इसके बाद बात आती है बेटा अप्लाइड ग्रामर। जैसा कि मैंने इनिशियल में ही बताया था कि अप्लाइड ग्रामर के लिए आपका ग्रामर सेक्शन कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप अप्लाइड ग्रामर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, पहला क्या है, गैप फिलिंग या सेंटेंस कंप्लीशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बेटा कोई एक स्टोरी दे दी जाती है तो उस स्टोरी में से हो सकता है वर्ब को गायब कर देंगे, प्रपोजिशन को गायब कर देंगे या नाउन को गायब कर देंगे, तो आपको क्या करना है, उस कॉन्टेक्स्ट को रीड करना है और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको चार ऑप्शंस होंगे या फाइव ऑप्शंस होंगे या खुद अपने आप से इसमें आप ऑप्शन लिख सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैप फिलिंग बोलते हैं। इसके बाद सेकंड इसमें डायलॉग कंप्लीशन। डायलॉग कंप्लीशन में होता है कि जैसे कोई टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक में किसी पर्सन ने कुछ बोला तो उसके पक्ष में, मतलब उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो वो क्या होता है, डायलॉग कंप्लीशन होता है। इसमें याद रखना बेटा दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं, वैसे ज़्यादातर दो ही होती हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे आते हैं थर्ड नंबर देखते हैं,
सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में क्या होता है बेटा कि जैसे कोई एक पैराग्राफ दिया गया 5 लाइन्स या 6 लाइन्स या 7 लाइन्स का, और उसको क्या करते हैं रीऑर्डर कर देते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग में आना चाहिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का पता चलेगा मिडिल में डाल देंगे, और मिडिल वाला जो पोर्शन होगा उसको लास्ट में डाल देंगे, लास्ट वाला पहले डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, इनको एक सीक्वेंस में सेट करना होता है। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग। याद रखना बेटा, जब आप आगे की क्लास में जाओगे ना, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लोगे या 12th के बाद आप जैसे कॉम्पिटिशन फेस करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी, क्योंकि उसमें भी सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब टॉपिक है। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आते हैं बेटा एडिटिंग। एडिटिंग में बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे कुछ चीज़ें लिखी होती ना, तो उसमें जो मतलब वैसी चीज़ें जिनका ज़रूरत नहीं है, जिनकी मीन्स ज़रूरत नहीं है, उनको जब हम लिख देते हैं और उनको जब हम रिमूव करते हैं ना, या उसके प्लेस पे कोई दूसरी चीज़ जब लिखते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिंग बोलते हैं। मीन्स एक तरीके से आप करेक्शन फाइंड आउट उसमें करते हो। ओके, इसके बाद आता ओमिशन। ओमिशन में क्या होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज करनी है और कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं यूज करनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं ओमिशन बोलते हैं। जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा बेटा, तो आर्टिकल में आता है कि वैसे नॉर्मली ए एन और द का हम यूज सीखते हैं, लेकिन कभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने लिखा जैसे आप बोल सकते हो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कंट्री है, तो कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, या फिर जैसे डेज है, डेज के पहले हम बेटा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वो एक तरीके से किस में चला जाता है, ओमिशन में चला जाता है। या स्पोर्ट्स हुआ, ये या जितनी भी डिसीजेज होती हैं कुछ डिसीजेज को छोड़कर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओमिशन बोलते हैं। ये बात आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा लास्ट है इसमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बेटा, ये बेसिकली आप बोल सकते हो इसके जो ये 10 नंबर दिया है ना फॉर्मिंग क्वेश्चंस, आप ये भी बोल सकते हो कि जो फॉर्मिंग क्वेश्चंस है वो भी कहीं ना कहीं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्या एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें दिया जाएगा कि जैसे असर्टिव सेंटेंस दिया गया, तो आप उसका नेगेटिव बनाओ, उसी से आप डिक्लेरेटिव बनाओ, उसी से पता चलेगा आपको क्या बनाना है, इम्पेरेटिव बनाना है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं बेटा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर इसमें बेटा कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं याद रखना एक एक टॉपिक को क्या करूँगा बेटा, कवर करवाऊँगा। सो गॉड ब्लेस यू।